बहुत दिनों बाद बाबा का दर्शन होगा और सही में बहुत ही सुकून है। बोला जाता है कि वहाँ पे सर स्वर्ग से हवा आती है। हम लोग का टूर जो है फ्रॉम कोलकाता सियालदह स्टेशन से आपका दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर रात का ट्रेन है हमारा हरिद्वार का, हरिद्वार से फिर हम मतलब हरिद्वार पहुँचेंगे नेक्स्ट डे, वहाँ पे स्टे करेंगे और सारी वीडियो की ट्रैवल किए सारा ब्लॉग आएगा और सारा एपिसोड वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है हमारा। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स अभी सारा पैकिंग वैकिंग लोग कर लिए हैं, बट मुझे मैं तो अभी पैकिंग नहीं किया हूँ। पैक कैसे करता है बिकॉज आप लोगों को सारा चीज़ दिखाना था कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ, कैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये मेरा बैग पैक है केदारनाथ के लिए जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे मैं अपना बैग पैक रेडी कर लिया हूँ, मतलब रेडी अभी मैं, मुझे सामान डालना है। ये छोटा सा बैग होगा जो मैं ट्रैकिंग के टाइम लेके चलूँगा, इसमें वाटर बॉटल अपना कैरी कर सकते हैं या छोटा मोटा कुछ खाने के लिए कैरी कर सकते हैं अपना। ये मेरा रेनकोट है और रेनकोट के साथ ट्रैकिंग के लिए मैंने एक शू लिया मेरी नेपाल, और ये शू काफ़ी ट्रैकिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। वेट टी शर्ट लिया है। ऑल अराउंड हमारा ट्रिप है 6 डेज़ का, यहाँ से दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर केदारनाथ। मास्क के साथ ये मेरा कैप भी बन सकता है, बता देना हूँ। यहाँ पे मैंने 2 जैकेट लिया है, एक ये लेदर जैकेट हो सकता है थोड़ा फोटो सेशन के लिए, और ये मेरा -2 डिग्री में भी काम करेगा। आगे देखिए यहाँ पे मफलर है मेरा और टॉवल एक छोटा सा और एक शर्ट। से अपने घर से तो सारी अपडेट देंगे। केदारनाथ जा रहे हैं तो जय बम्बोले, हर हर महादेव। ऊपर हम बैठ चुके हैं, अभी हम जाने वाले सियालदह स्टेशन, वहाँ से अपना ट्रेन कैचअप कराए पीछे है। और ये हमारे दोस्त, प्रिय दोस्त, बचपन के दोस्त गौतम, और ये मेरे भाई। हाय। तो चलते हैं, संडे का दिन है तो ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, 5 मिनट। और हम पहुंच चुके हैं सियालदह स्टेशन। फ्रेंड्स अभी भी टाइम है हमारे पास 1 घंटे, और सियालदह स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और चलते जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं कुछ खाने का स्नैक्स ले लिया जाए। ये वेटिंग रूम है, 1 घंटे बचे हैं तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। सेकेंड क्लास वेटिंग रूम और ये फर्स्ट क्लास है, अपर क्लास। फुल बॉडी मसाज भी है। आपको कुछ शॉपिंग करना है सियालदह स्टेशन पे, अगर बैग्स लेने हैं तो बैग्स भी ले सकते हैं। तो बहुत सारी ज्वेलरी शॉप भी खुल गई है, अगर आपको वेस्ट चाहिए या कोई टी शर्ट चाहिए या जॉगर से कुछ भी, यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको शॉप भी दिख रहा होगा, ये आपका KFC भी बन चुका है। और ये देखिए इनका हालत ख़राब हो रहा है गर्मी से, और गर्म हो रहे हैं हम पे, क्या कर सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो गर्म मिजाज तो होना नॉर्मल है ना। कुछ रिफ्रेशमेंट तो लेना ही पड़ेगा, कुछ जूस या कुछ तो पीना ही। भैया एक रेड बुल दीजिएगा। और ये मेरे इतना भी नहीं, देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लगी थी। और ट्रेन आ चुकी है जैसे दुरंतो एक्सप्रेस हमारा, और यहाँ से डायरेक्टली दिल्ली हम जाएंगे फाइनली। और
बहुत ही रिलीफ आया है, बहुत ही गर्मी है बाहर। और गौतम, गर्मी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मतलब राजस्थान से ज़्यादा गर्मी है कोलकाता में। वो समझ लीजिए, राजस्थान से ज़्यादा गर्मी, तो समझ लीजिए क्या गर्मी है यहाँ पे। इसीलिए बाबा बोले कि मेरे भी दर्शन करके आओ, फिर तुमको भी सुकून मिलेगा और शायद इस शहर को भी। मेरा पत्ता तो देख लीजिए आप, देखिए इतना बड़ा शरीर लेके बैठे हुए हैं, ना आदमी को जगह दे रहे हैं बैठने का, देख रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं दिल्ली स्टेशन। पता जैसा गर्मी जो था वैसा नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग उतना तो नहीं है गर्मी, लेकिन है गर्मी, तो समर सीजन है तो रहेगा ही गर्मी। और गौतम, गर्मी कैसा लग रहा है आपको? यहाँ से कम है तो ह्यूमिडिटी कम है। देखिए गौतम का रिव्यू सुन लीजिए, ड्राई वेदर है, अच्छा ठीक है, ह्यूमिडिटी थोड़ा कम है, पर कोलकाता से अच्छा वेदर कोलकाता। और अभी जाएंगे हम निज़ामुद्दीन स्टेशन के पास, आस पास होटल लेंगे और वहाँ पे हम लोग सारा लगेजेस रखेंगे अपना, और थोड़ा बाहर निकलेंगे मार्केट के लिए। और मेरे फ्रेंड को अपने बुआ से भी मिलने जाना है, तो उनके बुआ से मिलने जाएंगे। और मेरे पापा जहाँ पे हैं तो आसपास ही है इसका, बुआ का यहाँ पे बुआ रहती है, और पापा का नागलोई में ना, अरे वहाँ पे भी जाएंगे। और आप ऑल सेट टू गो? हाँ भाई, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, देख लीजिए चिलचिलाती हुई गर्मी। और हमें बस थोड़ा
बाबा का बस याद आ रहा है, तो मुझे तो गर्मी भी नहीं लग रही है। हर हर महादेव। आपने 250 बोला है ना अभी? 1200 टोटल स्टेशन के बाहर छोड़ दिए ना, हमको अंदर थोड़ी बोल रहे, जो मेन रोड हो बस वहीं पर छोड़ दिए। 100 रुपए यहाँ, 100 रुपए में ही कट जाता है। 150 रुपए में गैस भी फूकूंगा, मेरे को क्या बचेगा? दूसरा गाड़ी देख लो। ये दिल्ली का देख रहे रिव्यू, होटल दिखाएंगे तभी 250 लेंगे, और होटल को इनका पसंद से लेना पड़ेगा हमें। होटल नहीं लेंगे तो बोल रहे हैं 400 लेंगे, तो कमीशन बना रहता है इनका। अब देखिए ऐसा ही है। अब यहाँ से वापस हम लोग निकाल रहे हैं अपना, क्योंकि बजट रूम ले रहे हैं, देख रहे हैं रूम के लिए क्या चार्जेस होता है। शंता साउथ इंडियन लॉज कंप्लीट गेस्ट हाउस। जो ट्रेन पकड़ना है वो निज़ामुद्दीन से ही पकड़ना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि निज़ामुद्दीन जाके ही होटल लेते हैं, वहाँ पे बढ़ते हैं वहाँ पे। हम लोग हजरत निज़ामुद्दीन स्टेशन जाना है हम लोग को, हम लोग नाम ही नहीं जानते और भैया और कहीं नहीं जा रहे थे। और हम गौतम से जब पूछे कि हजरत कहाँ जाना है, तो वो शायद भैया सुने थे ऑटो जाता है, बोल रहे हैं ऑटो जाएगा, ये शायद ऑटो अलाव नहीं है वहाँ पे जाने का। एक ऑटो ऑन द वे जा रहे थे, ऑटो लगेज अंदर रखे, जल्दी 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 लाइए। ये एक प्लेट भैया, ये रखे इसको रखिए, अंदर आ गया। और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे आ रहे हैं बॉम्बे से, और आपको दिखाना चाहेंगे वीडियो कॉल पे हैं। आइए दिखाइए, और हमारे देखिए दिवेश भाई को देखिए, निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुंच चुके हैं, और यहाँ क्लास वेटिंग रूम है, यहाँ स्लीपर क्लास वेटिंग रूम है, डिवीजन दिया हुआ है प्राइस वाइज से। यहाँ पे और हमें तो रूम चाहिए था, देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं रूम। Are you in love? I was. Broke my heart. I was. When it-